बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम है ना नाइन्थ क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कवर किया था, परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो पहले हम उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा था है ना लास्ट क्लास में काफी बच्चों का, तो इसलिए मैं एक बार फिर से उसको डीपली रिवाइज करा दूंगा आज, और उसके बाद हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका एक माइक और ये कैमरा दोनों बंद रखना है, माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है या डाउट होता है, कोई भी सवाल होगा या डाउट होगा तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो यहाँ पर तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन चाहिए होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बेटा कि जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन रहते हैं सभी बच्चों को उत्तर है ना करना कंपलसरी, सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं चीजों को जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो परिमेय संख्याओं पर सक्रिय हैं, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में हमने देखा था कि जोड़ना हम सीख गए थे, घटाना हम सीख गए थे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज कर दें। एक ऐसे संख्याओं को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ना और घटाने के जो नियम है बेटा, दो ही टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, है ना, दो ही टाइप के क्वेश्चन कराए। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन है, कौन बताएगा बेटा पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, क्या होते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन की पहचान? हर समान होता है। वेरी गुड, जिसका हर क्या होता है, समान होता है। चलिए तो अभी हर क्या होता है, समान होता है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा पहले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, टाइप वन। टाइप वन में क्या होगा कि हर क्या होगा, समान होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे ना, अगर हमें क्या करना है, जोड़ना है या फिर क्या करना है, घटाना है, तो हमेशा इसको एलसीएम लेकर ही सोल्व करना है, एलसीएम लेकर ही सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। जोड़ना और घटाना कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि मैंने लिखा एक बटे चार ये प्लस के तीन बटे चार। तो यहाँ पर जो एलसीएम आता है, जब एक संख्या क्या होती है, समान होती है, हर क्या होता है, एक जैसा होता है, तो वही एलसीएम आ जाता है। और ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही उतार देते हैं, एक प्लस तीन, तो ये आंसर आ गया तीन और एक चार, चार बटे चार मतलब कि एक, चार बटे चार मतलब एक आंसर। क्या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? सर, यस सर, यस सर। रीजॉइन करेंगे बेटा क्लास को, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। सर आवाज नहीं आ रही बेटा, रीजॉइन करके देखेंगे क्लास। बाकी बच्चों को प्रॉपर आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, यस सर, आ गई सर। चलिए तो अब हम आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे कि ये हमने सीखा यहाँ पर कि अगर आपके पास हर एक जैसा होता है, समान होता है, तो उसको हम किस तरीके से जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसमें। अब मैंने घटाने वाला क्वेश्चन करा दिया, पांच बटे छह माइनस सात बटे छह। ठीक है, पांच बटे छह माइनस सात बटे छह। तो यहां पर एलसीएम अगर हम लेंगे तो छह ही एलसीएम आएगा, और ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही हम उतार देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दो बटे सात आया, लेकिन प्लस और माइनस भी देखना है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा।
माइनस के दो बटे छ आएगा, माइनस के दो बटे छ, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये आ गया दो एकम दो, दो तिया छ, ठीक है, दो एकम दो, दो तिया छ। अब जिन बच्चों का ये डाउट है कि ये माइनस प्लस कैसे आता है, तो बेटा यहाँ पर समझ लेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे जोड़ने और घटाने के नियम, ये मैंने कराए हुए हैं आपको। ये मैंने कराए हुए हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं इन नियमों को। तो पहले हमारे पास जो पहला नियम होगा वो क्या नियम होगा, पहला नियम होगा कि अगर हमारे पास चिन्ह एक जैसे आ जाते हैं, चिन्ह क्या होंगे बेटा, एक जैसे आ जाएंगे। जैसे मैंने यहां पर कहा कि अगर आपके पास आ जाता है प्लस और प्लस, आपके पास आ जाता है माइनस और माइनस, तो हमेशा आप इसको जोड़ते हैं। जब भी एक जैसे चिन्ह आएंगे तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। और चिन्ह की अगर हम बात करेंगे कि चिन्ह क्या आएगा, तो अगर प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्या बात समझ में आई है? चलिए तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चार प्लस छह, तो दोनों प्लस के नंबर है तो जोड़ देंगे, दस आ गया आंसर, और प्लस के दस आंसर आ रहा है ना, प्लस के दस आंसर आ रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर एक जैसे चिन्ह है माइनस के पांच माइनस के नौ, तो दोनों को जोड़ेंगे, पांच और नौ चौदह, माइनस दिया हुआ है तो माइनस के चौदह। क्या बात समझ में आई सबको? दूसरा नियम देखेंगे, क्या समझ में नहीं आया बेटा, जो बच्चे ने नौ बोला है क्या समझ में नहीं आया आपको? सर आपने कहा था माइनस माइनस को लिख सकते हैं बेटा, ये जोड़ने और घटाने के नियम चल रहे हैं। माइक बंद करेंगे एक मिनट सभी बच्चे, मयंक माइक बंद करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ पर दो तरीके के नियम होते हैं, पहला जोड़ने और घटाने के नियम, दूसरा नियम होता है गुणा करने का नियम, है ना, गुणा करने का नियम। तो यहाँ पर हम जोड़ने और घटाने के नियम की बात कर रहे हैं। अगर एक जैसा चिन्ह होगा तो उसको जोड़ना है ना, तो जोड़ दिया मैंने इसको, एक जैसा चिन्ह है, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और जहां पर प्लस आता है वो आता है वहां पर जहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, ये दो तिया छह तो माइनस माइनस प्लस, यहां पर आता है प्लस, तो दोनों पर डिफरेंस ध्यान रखना है, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है कि जब भी आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो माइनस दिया हुआ है तो माइनस का आंसर आएगा, ठीक है, प्लस दिया हुआ है तो प्लस का आंसर आएगा। अभी समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं, अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं तो आपको घटाना है, घटाना है आपको। और चिन्ह की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह, ठीक है। अभी जो मैं चीजें समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, मैं गुणा के नियम को भी समझाऊंगा, पहले आप जोड़ने और घटाने के नियम को अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया कि दो माइनस के आठ, तो ये दो प्लस का है ना, दो तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटाना पड़ेगा, आठ में से दो जाएंगे तो छह, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या आठ है तो माइनस के छह आएगा, माइनस के छह आंसर आएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा अगर माइनस के बारह और प्लस के अठारह, तो अब फिर से इसको घटाना पड़ेगा, क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटा दिया, और घटाया तो छह आंसर आया, लेकिन प्लस के छह आंसर आएगा, प्लस के छह आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब तो हम आ जाते हैं आगे, तो यहाँ हम टाइप टू की बात कर रहे हैं। अच्छा, टाइप टू से पहले आप इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, चैट बॉक्स में आंसर बताना है सबको।
चैट बॉक्स में आंसर देंगे सब। प्लस प्लस का एक एक बटे तीन, एक बटे तीन, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सब्बास, तो एक बटे तीन आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, हर एक जैसा दिया हुआ है, तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो ये आ गया एक बटे, ठीक है। चलिए अभी टाइप टू पर आ जाते हैं। टाइप टू में क्या होगा, हर अलग अलग होगा, हर क्या होगा, अलग अलग होगा, हर हमेशा क्या होगा, इसमें अलग अलग होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैंने यहां पर लिख दिया पांच बटे छह प्लस तीन बटे आठ, तो अब क्या करना है आपको, तो जब भी अगर एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, वेरी गुड। तो एलसीएम निकाल दीजिए, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो से करेंगे तो आ जाएगा दो दूनी चार, फिर दो से किया फिर आ जाएगा दो एकम दो, अब तीन से करेंगे तो तीन एकम, तो एलसीएम आ गया बेटा यहाँ पर, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन, मतलब दो दुनी चार दुनी आठ तिया चौबीस, चौबीस एलसीएम आ गया इसका। तो यहाँ पर आ गया बेटा चौबीस एलसीएम। अब चौबीस एलसीएम आया है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्या, कि छह से भाग करेंगे चौबीस को, छह से भाग करना है चौबीस को, तो आ जाएगा क्या, छह चौक चौबीस, चार आ गया। अब जो चार आया है उस चार की गुणा करेंगे पांच में, चार की गुणा करना है पांच में, तो पांच गुणा चार प्लस आठ से डिवाइड करेंगे चौबीस को, तो आया आठ तिया चौबीस, आठ तिया चौबीस, तो तीन की गुणा करना है, अब तीन की गुणा करना है तीन में, तो आ जाएगा पांच चौक बीस प्लस तीन तिया नौ बटे चौबीस, मतलब कि उनतीस बटे चौबीस आंसर आया, उनतीस बटे चौबीस। क्या बात समझ में आई है सबको? यस सर, यस यस सर, यस सर, नो सर, जी अमन सर, एक बार फिर से रिपीट करो। यस सर, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको, ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, वहां पर आप समझे। ये रहा, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, पांच बटे छह माइनस के तीन बटे आठ, ठीक है। क्या करना है आपको, छह और आठ का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना तो आ रहा है ना, कि दो तिया छह दो चौक आठ, दो से करेंगे तो दो दुनी चार, फिर दो से करेंगे तो दो एकम दो, तो यहाँ पर तीन से करेंगे तीन एकम तीन। अब इसका एलसीएम अगर हमें लेंगे तो हमें तीनों की सबकी गुणा करना पड़ेगा, सबकी गुणा करना है, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन, तो ये आ जाएगा आठ तिया चौबीस, दो दुनी चार दुनी आठ तिया चौबीस, चौबीस आ गया, तो चौबीस तो एलसीएम आ गया है ना, छह से भाग करेंगे चौबीस को, चौबीस को छह से भाग किया तो आ जाएगा छह चौक चौबीस, चार आया, इस चार की गुणा करेंगे पांच में, तो पांच की गुणा चार में, आठ से इसको डिवाइड करेंगे, आठ से चौबीस को डिवाइड करेंगे तो आएगा आठ तिया चौबीस, तीन आ गया, और तीन की गुणा करना है तीन, तीन की गुणा करना है तीन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पांच चौक बीस माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तीन तिया नौ बटे चौबीस, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ग्यारह बटे चौबीस। बताइए अभी समझ में आया है सबको? यस सर, यस सर, अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, इसका आंसर आपको करना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है।
चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे बेटा, बीच में से क्लास को लेफ्ट नहीं करना है आपको। अगर आप बीच में क्लास को छोड़कर चले जाते हैं तो एक तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है और कुछ समझ में भी नहीं आता है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, काफी बच्चों का सेम आंसर आ रहा है, चेक कर लेंगे अगर किसी बच्चे का आंसर गलत आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बेटा, तीन से डिवाइड किया, तीन दूनी छह और सात, दो से डिवाइड कर दिया, दो एकम दो और सात, सात से मैंने डिवाइड किया तो सात एकम सात, तो इसका एलसीएम अगर मैंने निकाला तो आया तीन गुणा दो गुणा सात, तीन दूनी छह, छह सत्ते बयालीस, बयालीस आ गया। ठीक है, बयालीस तो एलसीएम आ गया, तो ये आ गया बयालीस। अब छह से इसको भाग करना है, छह से भाग किया मैंने तो छह सत्ते बयालीस, सात आया और सात के गुणा करेंगे पांच, माइनस सात से डिवाइड करेंगे बयालीस, बयालीस को सात से डिवाइड किया तो सात छिंग बयालीस, छह आया और छह की गुणा करेंगे आठ। ठीक है, तो यहाँ पर छह आया था, छह की गुणा आठ में, यहाँ पर सात आया था, सात की गुणा पांच। अब उसके बाद पांच सत्ते पैंतीस और ये माइनस के आठ छिंग अड़तालीस बटे बयालीस। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने माइनस नहीं लगाया था, यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग है और दोनों चिन्ह अगर अलग अलग है तो आप घटाएंगे, घटा दिया तो आपका आंसर आ गया तेरह। हो कितना आंसर आएगा, तेरह आंसर आ गया। और देखेंगे संख्या कौन सी बड़ी है, अड़तालीस बड़ा है ना, तो अड़तालीस का चिन्ह आएगा, यानी कि माइनस के, मैं माइनस के तेरह बटे बयालीस आंसर है। क्या बात समझ में आई? चलिए तो अगर समझ में आ गया है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सर पूछ लो। ठीक है, होल सेक्शन में उसका उत्तर करना है आपको, और सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे, नोटबुक में सोल्व करेंगे सबसे पहले, और नोटबुक में चेक करूंगा, किसी भी बच्चे की नोटबुक में चेक कर सकता हूँ, तो इसलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर। चलिए तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो क्या दिखा हुआ है कि पांच बटे बारह में से आपको घटाना है, किसको घटाना है, तैतीस बटे आठ को। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, और सोल्व करने के बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा बोलेंगे नहीं, अर्जिया में क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, रीजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए जितने बच्चे बेटा क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिन्हों आंसर ना करे, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए सर। मेरा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा जिन बच्चों का पोल नहीं आ रहा है वो वेट करेंगे, मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा, चैट बॉक्स में आंसर करना है उसके बाद।
सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी बहुत बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा अभी मेरे पास 15 से 16 बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है, और 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, मैंने बोला है आपको कि जब तक आप सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे क्लास को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बार बार ये चीजें आपको बताई जाती है कि अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको मैथ आएगा। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी भी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। और शांत बैठ जाओ सारे। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए अभी भी 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। जिन बच्चों ने कर दिया उनको कुछ नहीं बोलना है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं उनके। सर कर दिया। बेटा मैंने बोला है कि जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है उनको कुछ भी नहीं बोलना है। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। सर जी स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए काफी बच्चों का आंसर सही आया है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत भी है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखना है। चलिए देखेंगे अब कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम मैंने अगर इसका लिया तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 12 2 × 8 2 से डिवाइड करेंगे फिर से तो 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 2 से डिवाइड किया 2 × 1 = 2 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 × 1 = 3 तो इसका एलसीएम आ गया है 2 × 2 × 2 × 3 मतलब 2 × 4 × 8 = 24 24 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम तो आया है 24। अब 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 की गुणा करेंगे 5 तो 5 × 2 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 3 आएगा और 3 की गुणा करेंगे 33 तो 5 × 10 माइनस 3 × 9 = 24 है ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, क्योंकि ये प्लस का है
तो प्लस और माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 99 से 10 जाएगा तो बचेगा 89, और बड़ी संख्या 99 है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 89/24। तो सी ऑप्शन आ रहा है। काफी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है, पता नहीं क्यों आ रहा है बी ऑप्शन। किसी भी तरीके से बी ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सर सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। यस सर। अब हम आ जाते हैं आगे। तो अभी ये जोड़ना और घटाने हमने सीखा है, परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है कि कैसे हम परिमेय संख्या को आपस में गुणा करेंगे, है ना। गुणा करना सीखेंगे अभी पहले। तो ये चीज हमने सीखी है भिन्न में। भिन्न में हमने पहले ही इस चीज को सीखा हुआ है कि भिन्न आपने पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने गुणा करना सीखा था, है ना। कि अगर आपके पास दो नंबर आ जाए ऐसे भिन्न के, तो आप कैसे इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो नंबर कटता है तो उसको काट देते हैं, जैसे 4 × 4 4 × 2 = 8। तो अभी जो नंबर बचा है, जैसे 1/3 बचा, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 7/2, यहाँ पर बचा है 7/2। तो सामने सामने गुणा कर देते हैं। अगर नहीं कटता है तो सामने सामने गुणा कर देते हैं। क्या ये सबको आता है? सर जी एक बार फिर से रिपीट। यस सर। यस सर। जी एक बार फिर से रिपीट करना। यस सर। एक बार फिर से रिपीट कर दो। यस सर। बेटा क्या चीज नहीं आया है आपको? इसमें क्या समझ में नहीं आया वो बता दीजिए एक बार। सर जी आपने काटा तो नहीं समझ में नहीं आया। ये तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 और ये 8 है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, दोनों के दोनों। तो 4 × 4 4 × 2 = 8। अभी बचा है आपके पास 1/3 और यहाँ पर 7/2। सामने सामने गुणा करना है, 7 × 7 और 3 × 2 = 6। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। काट देना है। हाँ बेटा, अगर कट रहा है तो काट देंगे सर। आगे समझ में। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब इस गुणा को सीखने से पहले आपको है ना ये नोट बनाकर लिख लेना है बेटा, याद रख लेना है इसको। फर्स्ट क्या कि अगर आपके पास एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे और बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन आंसर का जो चिन्ह आएगा वो हमेशा प्लस आएगा। आंसर का जो चिन्ह आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल की बात मैं करूं, अगर मैंने लिखा 5 × 6, दोनों प्लस के नंबर है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 × 30 प्लस का। यस सर। है ना। उसके बाद अगर मैंने लिखा यहाँ पर कि -3 × -6 तो 6 × 3 = 18। अब एक जैसे चिन्ह था तो इसलिए प्लस का 18, क्योंकि अगर एक जैसा चिन्ह होगा तो प्लस का 18 आएगा। सर जी वो साइन माइनस प्लस का आएगा। प्लस का आएगा तो प्लस का 18। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं आप दूसरे वाले नियम पर। तो दूसरा जो नियम है सर जी, अलग अलग निशान हो तो बेटा आ रहे हैं अभी अलग अलग निशान वाले पर भी। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं यहाँ पर, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में आएगा। यस सर। जैसे मैंने लिखा 5 × -6 तो 5 × 30, एक प्लस है एक माइनस है, तो -30। उसके बाद अगर मैंने इस तरीके से लिखा -7 × 3, तो देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो 7 × 21 -21। यस सर। क्या इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं इसको गुणा करना सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -6/5 को गुणा करना है 4 से। 4 से गुणा करना है। क्या हुआ बेटा? 20 क्या हुआ बेटा? क्यों
क्यों बातें कर रहे हैं बेटा आप? माइक को बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। बेटा अभी आंसर किसी को नहीं बताना है, आप सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। पहले यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे आप एक मान लेंगे। अब देखो कुछ नहीं कट रहा है ना, कुछ भी नहीं कट रहा है। छह और पांच नहीं कटेंगे, चार और एक भी नहीं कटेंगे, पांच और चार भी नहीं कटेंगे, छह और एक भी नहीं कटेंगे। सामने सामने नहीं काटना है। कभी आप ऐसे कर दें कि सामने साफ मान्य आप काट दें कि दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सामने सामने नहीं काटना है। अब सामने सामने क्योंकि हम गुणा करते हैं, नहीं कट रहा है तो हमें क्या करना है, गुणा। छह चौक चौबीस, अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस के चौबीस आएगा, और ये पांच एकम पांच, पांच एकम पांच। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, माइनस के चौबीस बटे पांच आंसर आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, चार के नीचे एक माना, छह की गुणा किया चार में और पांच की गुणा एक में, तो छह की गुणा चार में, पांच की गुणा एक में, तो पांच आएगा, और छह चौक चौबीस, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस का चौबीस बटे पांच। यस सर, अब आगे आ जाते हैं। यस सर, जय नमस्ते। बेटा माइक बंद करेंगे, तुषार सेन के नाम से जो बच्चा जो है। यस सर, करो माइक बंद। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा करना है आपको, पंद्रह बटे आठ गुणा करना है तीन बटे बीस, तो अगर जो कटेगा उसको काट देंगे। पंद्रह और आठ नहीं कट रहा है, तीन और बीस नहीं कट रहा है, पंद्रह और बीस कट रहा है। देखो पंद्रह और बीस कट रहा है, इससे पांच एकम पांच, पांच किया पंद्रह और पांच चौक बीस, तो आपके पास बचा यहाँ पर देखो तीन बटे आठ, तीन बटे आठ, और यहाँ पर बचा तीन बटे चार। तो आंसर आया, आंसर आ गया कितना, तीन तिया नौ और आठ चौक बत्तीस। वेरी गुड, चलिए समझ आ गया। ठीक है, अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर, जय सुंदर। बेटा अनिल, सुनील, ईश्वर, मोहित, माइक बंद रखेंगे बेटा। तुषार सेन बताइए, क्या समझ में नहीं आया? तुषार सेन के नाम से जो बच्चा है, और राज रानी मैंने आपको कितनी बार बोला है, जो राज रानी के नाम से बच्चा ज्वाइन है, कि आप एक ही बार वाई टाइप करेंगे हर क्लास में, आप ये करते हैं। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बेटा बताइए? जो आपने काटा है जी, वो समझ में नहीं आया बेटा। काटने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बताइए? ये पंद्रह दिया हुआ है और बीस दिया हुआ है, दोनों के दोनों किससे कट सकते हैं? पंद्रह और बीस दोनों किस टेबल में आते हैं? पांच, तो पांच से मैंने काटा है, पांच किया पंद्रह, पांच हो गई। यस सर, आ गया समझ में? यस 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 सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमें यही काम किया हमने, कि हमारे पास पंद्रह बटे बीस था, और पंद्रह बटे बीस अगर था तो मैंने क्या किया, पंद्रह किया वो पांच किया पंद्रह और पांच चौक बीस। ठीक है, तो तीन की गुणा करना है, तीन की गुणा तीन में, आठ की गुणा चार में, तीन की गुणा तीन में, आठ की गुणा चार में, तो तीन या नौ और आठ चौक बत्तीस, तो आंसर आ गया नौ बटे बत्तीस। यस सर। चलिए तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके आंसर बताएंगे। यस सर। ये रहा क्वेश्चन, माइनस के पंद्रह बटे चार गुणा तेरह, चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा सब। चैट बॉक्स में आंसर देना। द
मतलब माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन हो रहा है ना बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, माइक बंद रखेंगे पूरी क्लास में। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। -4 चलिए तो देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। तो यहां पर एक मान लेंगे, इसके नीचे देखो कुछ नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुणा कर, तो 13 की गुणा करना है 15 में, 15 या 45, 45 का 5 6 4, 15 कम 15 और 4 19, तो 195/4 आंसर आ रहा है। वेरी सब बात। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे। -3/4 गुणा -5/6, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल उसमें चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चों का उत्तर आ गया, अभी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर जो कट रहा है उसको काट दो, 3 कम 3, 3 2 6, ठीक है। यहां पर बचा आपके पास -1/4 और यहां पर बचा है -5/2। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, दोनों संख्या माइनस की है, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस का आंसर आएगा, 4 2 8 यानी 5/8 आंसर आ रहा है, 5/8 आंसर आ गया आपका। सर आज नोटबुक चेक कर लो, कर ले चेक, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तीन बटे चार, 4 चलिए ठीक है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे बेटा, मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है बेटा। अभी कैमरा बंद कर लेंगे सभी बच्चे और ध्यान से देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, 3 की गुणा करना है, 3 की गुणा करना है आपको -7/15 से। चलिए सभी बच्चे एक मान सकते हैं यहाँ पर, और अब आप आसानी से इसकी गुणा कर सकते। तो सभी बच्चों को इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में देना। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर कर देंगे। नोटबुक, वेरी गुड बेटा, बोलेंगे नहीं जिन भी बच्चे ने आंसर कर दिया है, क्योंकि मेरे पास आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा जल्दी। दिया सर, सभी बच्चों को आंसर करना है ना, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, और बोला है मैंने कि जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे क्लास को कंटिन्यू नहीं करने वाले बेटा, तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। किड़ी
चलो अभी भी 20 से 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी सभी बच्चे आंसर कर देंगे। माइक मैंने बोला है सबका बंद रहना चाहिए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया सर जी। सर कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे रहे, जो बाकी बच्चे रह गए हैं उनको भी आंसर करना है, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, है ना, 13 से 14 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। 5 मिनट के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास कॉल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा है कि आप इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो अभी आपके पास क्या बचा, -7/15। -7/15 मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन। चलिए ये रहा क्वेश्चन कि 4/5 की गुणा करना है 5/7 में। एक और सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। सर जी क्वेश्चन नहीं आया जी, पोल तो ना आयो बेटा, क्वेश्चन आ गया ना। यस सर, चलिए आ गया सर। ठीक है, अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ओके सर, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर हमने किया, सर हमने कर दिया। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, उनको नहीं बोलने को चुकी कि हमने कर दिया है, हमने कर दिया है, ऐसे नहीं बोलना है उनको। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ आपको क्लास में, आपने कर दिया है, मेरे पास आंसर आ गए। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने आंसर नहीं करे, जो बच्चे आंसर नहीं करे मैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा, मेरे पास आंसर आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। एक बोलेंगे नहीं बेटा कोई भी, माइक को बंद रखेंगे। तुषार सेन के नाम से जो बच्चा जो है बेटा, माइक बंद रखेंगे अपना। बेटा तुषार के नाम से जो बच्चा जो है माइक को बंद रखना है अपने। चलिए अभी मैं कॉल को बंद कर रहा हूँ। 1, 3, 4, 5 ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। अब देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है बेटा। सिंपल यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से 5 कट रहा है, काट दिया, बचा 4/7, तो 4/7 आंसर मतलब सी आंसर आ रहा है। क्या बात समझ में आई है सबको? सर हमारा सही है। सर यस सर, सर हमारा सही है। हाँ बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, साथ आ रहा है ना, 95% बच्चों का उत्तर सही है, शाबाश। चलिए अभी आगे आ जाते बेटा। सर एक कॉल, सर सर एक कॉल क्वेश्चन और पूछ लो, सर एक कॉल पूछ लो, कौन पूछ रहा
आपकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है सर, आप है ना समझ नहीं रहे, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपका माइक बंद रहना चाहिए, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। मैम कॉल में भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ और चैट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? अगर आप माइक बंद रखेंगे तो क्लास आगे चलेगी, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए तो अभी इससे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक टॉपिक ये समझा देता हूँ आपको, क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, भिन्न में हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। क्या था टॉपिक बेटा? कि हमें डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है। तो कैसे हम डिवाइड करते हैं? यहाँ पर मैंने बोला था कि पहले वाले नंबर को हम ऐसे ही लिख देते हैं और इस भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम पता है सबको? उल्टा कर देना, तो कर दिया उल्टा। अब अगर जो कट रहा है उसको काट दो, चार एकम चार, चार दुनी आठ, आंसर आ गया पांच दुनी दस बटे सात, पांच दुनी दस, सात एकम सात। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड बेटा, तुषार सेन के नाम से जो बच्चा जो है ना, वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ हमें इसको क्या करना है, भाग करना है। क्या लिखा गया है? 16 को भाग करना है दो बटे सात से। तो सबसे पहले मैंने इसके नीचे एक माना और 16 एक बटे 16 बटे एक। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? सभी बच्चों को चैट बॉक्स में व्हाइट कर टाइप करके बताएंगे, काफी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। तो जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बेटा रीजॉइन कर लेंगे एक बार, क्लास को रीजॉइन कर लीजिए बेटा, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अभी क्या करना है, भाग को गुणा में चेंज, इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा, सात बटे दो। अब दो अट्ठे 16 कट रहा है, आठ सत्ते 56 आंसर आ गया, आठ सत्ते 56। क्या बात समझ में आ गई सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ देखो यही आंसर हमारे पास आ रहा है, आठ सत्ते 56, ठीक है? भाग को भिन्न के रूप में लिखे तो भिन्न के रूप में लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो हर की पहचान कर उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है, फिर भाग को गुणा में बदल दीजिए, फिर उसको क्या करना है, गुणा में बदल देना है, जैसे यहाँ पर बदला हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं, अब इसकी बात करेंगे। ये लिखा हुआ है 15 को भाग करना है 3/4 से, तो 15/1 को तो आप ऐसे ही लिखेंगे और इसको गुणा में चेंज कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे 4/3। तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 5 15, अब आंसर आ जाएगा 5 6 20 और 1 एकम 1, तो 20 ही आंसर आ रहा है, 20 ही आंसर आ रहा है। चलिए आगे आ जाएंगे अब, तो ये आ रहा है बेटा 20 आंसर। आगे आ जाते हैं, अब देखो यहां पर लिखा है 35 को भाग करना है, माइनस के 35 को भाग करना है 7/4 से, है ना, 7/4 से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस के 35/1 इसको गुणा में चेंज करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो अभी क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, तो 5 6 20 और माइनस का 20 आंसर आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो माइनस का 20 आंसर आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इसको भाग करना है, माइनस के 16, तो ये आ जाएगा बेटा 8/3, भाग को गुणा में चेंज किया, इसका किया व्युत्क्रम, तो आ जाएगा 1/16, माइनस के 1/16। तो जो कट रहा है काट देंगे, जो कट रहा है काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दुनी 16, तो आ जाएगा 1 की गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस का 1 और 3 दुनी 6,
तो माइनस का एक बटे छह आंसर आ सब्बा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बेटा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो सभी बच्चे ठीक है बेटा फिर से समझ लेंगे। आठ बटे तीन को भाग करना है माइनस के सोलह बटे एक से, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आठ बटे तीन को तो ऐसे ही लिखेंगे और इसको गुणा में चेंज किया, इसका व्युत्क्रम किया तो एक बटे सोलह हो गया, एक बटे सोलह। आप माइनस को यहाँ पर लगा सकते हैं और माइनस को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आठ दूनी सोलह, वो आठ एकम आठ और आठ दूनी सोलह। अब एक की गुणा करना है एक में, तो एक एकम एक, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का एक बटे तीन दूनी छह। क्या समझ में आ गया सबको? चलिए तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी, ये रहा क्वेश्चन ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। पिचासी को भाग करना है सत्रह बटे सोलह से, सत्रह बटे सोलह। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा तुषार, अभी इसको सोल्व करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले बेटा, ध्यान से सोल्व करना है। ऐसे ही कुछ भी आंसर नहीं लगा देना है कि आपने बस पोल देखा और आंसर लगा दिया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। अभी चार पांच क्वेश्चन कराए मैंने इस तरीके के, इसी तरीके के चार पांच क्वेश्चन कराए मैंने। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, और जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी भी 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ध्यान से बेटा, नोटबुक में सोल्व करके तब आंसर करना है आपको। अगर आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे ना तो गलत ही जाएगा आपका आंसर, अगर आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे तो गलत जाएगा आपका आंसर। पांच सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है अभी मैं पोल बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया मैंने, तो जिन भी बच्चे के पास कॉल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सके। इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अभी तो मैंने तीन चार क्वेश्चन कराए इसी तरीके के, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन कराए मैंने। अगर आप ध्यान से अगर क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना और नोट बना रहे हैं, लिख रहे हैं चीजों को, तो आपका उत्तर गलत ही नहीं जाएगा। लेकिन आप ध्यान से ना तो क्लास को अटेंड कर रहे हैं ठीक है, और ना ही इसको नोट कर रहे हैं, जिन बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। भाग को गुणा में चेंज किया, इसका व्युत्क्रम किया, तो ये आ गया। अब ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ये सत्रह एकम सत्रह, सत्रह पंजे पचास, सामने सामने गुणा करना है, तो सोलह पंजे अस्सी, अस्सी बटे एक या फिर अस्सी ही हम लिखते हैं, तो अस्सी आंसर आ रहा है, अस्सी आंसर आ रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन।
तो काफी बच्चे, जो बच्चे बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन लगा रहे हैं, बेटा किस तरीके से आपका सी ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं कैसे आपने सी ऑप्शन लगाया है। तो ध्यान से बेटा इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं अभी आपसे, ये रहा क्वेश्चन, 8/9 भाग करना है 64/81। अभी फिर से सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी किया था वैसे ही करना है सेम। चलिए होल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। होल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। बेटा ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, जल्दीबाजी नहीं करना है किसी को। जितने बच्चे हैं क्लास में बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, कॉपी बंद करेंगे बेटा अपनी, एक कैमरा बंद रखेंगे। मोहम्मद फैजान के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्लियरली आपको बोला गया है ना कि जब तक पोल चालू है तब तक आपको आंसर नहीं दिखाना है, तब तक आपको आंसर नहीं दिखाना है जब तक कि पोल चल रहा है। बेटा अभी कराए इसी तरीके को क्वेश्चन, ये इसमें मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 8/9 है, 8/9 है ये। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। पांच सेकंड में मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं करा। बेटा आप क्लास में नहीं है क्या, क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या आप? या आपके पास पोल नहीं आ रहा है कि जो आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी भी 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी, जब तक पोल चल रहा है तब तक आंसर नहीं दिखाना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो 8/9 को ऐसे ही रखना है आपको, है ना, भाग को गुणा में चेंज करना है और 81/64 कर देना है इसको, 81/64। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 * 81 और 8 * 64, तो आ गया 9/8, 9/8। पता नहीं क्यों इसको आंसर लगा रहे हैं बच्चे, क्यों इसको आंसर लगा रहे हैं। चलिए अभी बेटा अगर जिस बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया तो क्लास को ओवर कर दे।